नमस्कार, लासा फाउंडेशन की ओर से सभी लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर। हम सबको मालूम है कि कोरोना एक डेंजर वायरस है, इसके बारे में सब कुछ हमको मालूम है, पर हम क्या इसके खिलाफ कुछ कर रहे हैं? हम सब मिलकर माने कि गवर्नमेंट के ओर से ज्यादा कुछ कर रहा है। हमको सिर्फ एक चीज ही करना है, खिल मिलाकर क्या है वो, हमारा घरों में रहना है, बाहर नहीं जाना है। क्योंकि चाइना के बारे में और इटली के बारे में दोनों देशों के डिफरेंस हमको सोचना पड़ता है। क्योंकि चाइना लॉकडाउन कर पूरे से पूरे देश घरों में बंद होकर इस बीमारी को उनका देश से हटाया, और इटली जो देश है वहां पर गवर्नमेंट ने हॉलीडेज डिक्लेयर किया, लॉकडाउन डिक्लेयर किया, पर जनता ने वहां पर क्या किया? सड़कों पे आकर इधर घूमकर उधर घूमकर स्टेज 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब क्या हालत है। जिस सड़क पर उन लोगों ने घूमकर आनंद लिया, उस सड़क पर डेड बॉडीज अब वहां पर है। माय डियर फ्रेंड्स, डोंट टेक इट एट ईज, इट इज अ क्रूशियल टाइम। लॉकडाउन का मतलब घरों में ही रहना है, सिर्फ घरों में ही। आहार और मेडिसिन, ये दोनों के लिए सिर्फ एक आदमी हमारा फैमिली से बाहर आकर उन चीजों को लेकर घर में रहना है। आपको हाथ जोड़कर ये प्रार्थना कर रहा हूं, जी प्लीज कुछ करो ना, प्लीज कुछ करो ना, कोरोना के खिलाफ कुछ करो ना। कुछ करना है तो हम सब मिलकर घरों में रहकर गवर्नमेंट से सपोर्ट करना है, हैंड वॉश करना है। अगर काफ या फीवर या सांस लेने में डिफिकल्टी, अगर इस सिम्टम्स आने के समय जरूर हम गवर्नमेंट के हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करके आइसोलेशन में रहना है और ट्रीटमेंट लेना है। जी मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, पर जो मेरा दिल उस धड़कन में जो प्यार इस देश पर है, क्योंकि देश है माने कि जनता मिट्टी नहीं है। अगर इस दौरान हम इस महान वाक्यों को ना सुनने से सिर्फ मिट्टी यहां पर मिलेगा। डियर जनता, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड बी एट होम टिल वी विन ऑन दिस डेडली कोरोना। जय हिंद, नमस्कार।